बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा जाने ये वीडियो टिकटॉक के लिए बनाई गई है या इस बंदे के दिल में नमाज की मोहब्बत और अकीदत इस कदर ज़्यादा थी कि इसने सैलाब की परवाह किए बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा रेज होकर तमाम लोगों को ये पैगाम दिया है कि नमाज किसी सूरत भी माफ़ नहीं। पेशे से ये शख्स तो कोई मजदूर लगता है, गालबन ये सिक्योरिटी गार्ड है, हमें इसके बारे में हुस्न ज़न ही रखना चाहिए। बहरहाल नमाज तो हर सूरत में फ़र्ज है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर आप सैलाब में डूब रहे हों और आपके कानों में अजान की आवाज़ पड़ जाए तो फौरन दिल में नियत कर लेनी चाहिए कि अगर मैं बच गया तो नमाज पढ़ लूँगा। नमाज इस दर्जे में आप पर फ़र्ज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तीर लगने से शदीद ज़ख्मी थे लेकिन आप नमाज बराबर पढ़ा करते थे और इस कदर खुशो खुजू से पढ़ते थे कि आपका तीर नमाज के दौरान ही वापस निकाला गया था और आपको महसूस तक नहीं हुआ था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पेट में खंजर मारकर एक मलून ने शदीद ज़ख्मी किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे सहाबी को आगे करके उसके पीछे नमाज पढ़ी थी और जब तक आप जिंदा रहे आपने नमाज नहीं छोड़ी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगाम का ही पास रख लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज यानी नमाज को ना छोड़ना और वो लोग जो तुम्हारी मलकियत में दे दिए गए हैं उनका ख्याल रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तकामत के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।